हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूँ श्रद्धा पांडे। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ अचानक से, तो ये गाना जो है या ये लाइन जो है टीम इंडिया के खिलाड़ी यानी भारतीय खिलाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा सूट करती है और बहुत ही ज़्यादा फिट बैठती है उनके ऊपर, क्योंकि अपनी मर्जी के मालिक जो है बने हुए टीम इंडिया के खिलाड़ी और ऐसे बने हुए हैं जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना होगा। यानी लगातार वार्निंग के बाद भी टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो वही कर रहे हैं जो उनको करना है, उनको मतलब किसी और को नहीं देखना है, बस वही करना है जो वो चाहते हैं। चलिए आपको पूरा वाक्या बताते हैं कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ और ऐसा क्या कर दिया है टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने ओपिनियन भी दीजिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। देखिए टीम इंडिया के जो खिलाड़ी है वो अभी बर्मिंगम में है। देखिए बर्मिंगम में इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि उनको जो है 1 से 5 के बीच में रीस्केड्यूल्ड जो टेस्ट मैच है जो पिछले साल पोस्टपोन हो गया था कोविड की वजह से। आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि पिछले साल जो मैच था वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था और वही मैच को रीस्केड्यूल करा गया है 1 से 5 के बीच में। देखिए ये तो रही खिलाड़ियों की बात, अब इन्होंने ऐसा करा क्या। देखिए बर्मिंगम में मौजूद हैं और इसीलिए आप जानते हैं कि कोविड का साया भी आपके जब कप्तान जो है कोविड से जूझ रहे हैं, आपके उप कप्तान यानी जो केएल राहुल है वो भी इंजरी के चलते, अभी ग्रूइन इंजरी के चलते जर्मनी में इलाज करवा रहे हैं। इससे पहले विराट कोहली को कोविड हुआ था, उससे पहले आर अश्विन को कोविड हुआ था और सबसे पहले जो पिछले साल जो सीरीज जो पोस्टपोन हुई थी वो भी कोविड की वजह से हुई थी। तो अब जो है भारतीय खिलाड़ियों के फोटोज़ जो है आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। फोटोज में दिख रहा है साफ साफ कि विराट कोहली, शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के साथ साथ कई अन्य खिलाड़ी जो है अपने फैंस के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनके साथ जो है काफी ज्यादा आम पब्लिक भी है, 2-3 वहां पे वेटर्स भी आपको दिख जाएंगे और 2-3 आम लोग भी आपको दिख जाएंगे। ये तो रही एक तस्वीर की बात। दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो दूसरी तस्वीर में आपको नजर आएगा कि डिनर टेबल में जो है सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं वो डिनर करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ एक आम आदमी भी है जिसने जो है फोटो क्लिक करी। आम आदमी मतलब उनके फैन होंगे जिसने फोटो क्लिक करी है। तो विदाउट मास्क, देखिए किसी के भी फेस पर जो है मास्क नहीं है, किसी का फेस जो है कवर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उसमें जो है बाकी ज़्यादा खिलाड़ी भी है और ऐसे भी खिलाड़ी है जिन्होंने 11 में अभी रहना है, यानी जो प्लेइंग 11 में भी हमें खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप ऋषभ पंत की बात ले लीजिए, आप विराट कोहली की बात ले लीजिए, ये लोग जो है आपको 11 में भी खेलते हुए नजर आएंगे। और इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की जो उम्मीद थी वो भारतीय खिलाड़ियों से नहीं थी, जबकि आपको पता है कि अभी आपके जो कैप्टन साहब है वो कोविड की चपेट में, उनका पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था यानी RAT, उसके बाद जो है रोहित शर्मा का RT-PCR हुआ था उसमें भी पॉजिटिव निकले। तो जब आपके कैप्टन ऐसी कंडीशन में और उसके बाद आप ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं। देखिए डिनर करना कोई गलत बात नहीं है, बाहर घूमना कोई गलत बात नहीं है, जबकि कोई बायो बबल भी नहीं है इस साल, तो बाहर घूमना अलग बात नहीं है, लेकिन अभी जो है ये चीज़ें थम सकती थी एटलीस्ट अभी, क्योंकि आप एक और खिलाड़ी को कोविड पॉजिटिव हो जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अभी टेस्ट मैच खेलने हैं 1 से 5 के बीच में आपको टेस्ट मैच खेलने हैं, तो एक और खिलाड़ी का कोविड की चपेट पर आ जाना ये जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो काफी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल जो है बिहेवियर लगा भारतीय क्रिकेट टीम का। और सबसे पहले अगर जिसका नाम आता है वो है विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली आप जानते हैं कि पहले कोविड की चपेट में आए थे, फिर फिट हो गए, फिर लेस्टरशायर के खिलाफ जो है प्रैक्टिस मैच में भी हमें नजर आए थे। आर अश्विन भी जब 4th दिन था प्रैक्टिस मैच का उसमें हमें नजर आए। तो विराट कोहली और अश्विन जो है कोविड एक बार उनको हो चुका है, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो नया वायरस है कोविड का जो नया वेरिएंट है ये रीइंफेक्ट भी कर सकता है दोबारा। तो आपको जो है ध्यान रखना चाहिए था। कमेंट्स के जरिए आप भी हमें ज़रूर ये बताएं कि भाई मेरी ये बात से आप कितने सहमत है कि एटलीस्ट आपको 1 से 5 के बीच में थोड़ा रुक जाना चाहिए था, उसके बाद आप अगर पार्टी करिए, उसके बाद आप बाहर जाइए, वो आपकी लाइफ है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको 1 से 5 के बीच में थोड़ा सा अभी बचकर चलना होगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी 3-4 खिलाड़ी जो है कोविड की चपेट में और लास्ट ईयर ये मैच जो रीस्केड्यूल होगा, मतलब 1 से 5 के बीच में रीस्केड्यूल होगा,
होगा। लास्ट टाइम ये मैच भी कोविड की वजह से रुका था, तो थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ेगा भारतीय खिलाड़ियों को। और बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है उस फोटोज जो वायरल हो रही है उसको देखते हुए, तो कमेंट्स के जरिए आप भी ज़रूर बताएं कि मेरी इस बात से आप कितना सहमत है कि भाई प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए था। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।